गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था कि क्यूबॉइड कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसकी एजेस कितनी होती है, उसके वर्टेक्स कितने होते हैं, हमने ये पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि क्यूबॉइड के कुछ क्या देखने हैं, आपको फिगर देखने हैं और उन फिगर्स को आपको पहचानना है कि क्यूबॉइड कौन कौन से होते हैं। आपके घर में ही आपको क्या देखने थे? फिगर देखने थे, तो आपने देखे होंगे आई होप। अब देखो यहाँ पे एक बार वापस एक क्यूबॉइड को रिवाइज करते हैं हम। क्यूबॉइड में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्यूबॉइड शेप। ये जो सारे ऑब्जेक्ट दे रखे, इरेजर, बुक, ताजमहल टी बॉक्स, ब्रेक, रेफ्रिजरेटर, सूटकेस, अलमीरा, ये सब क्या है? क्यूबॉइड शेप के। ये सब के शेप के क्यूबॉइड शेप के। और फिर हमने पढ़ा था कि क्यूबॉइड में 8 वर्टेस होती है, 12 एजेस होती है और 6 फेसेस होते हैं। हमने गिने भी थे, यहाँ पे वर्टेक्स गिनी थी और यहाँ पे क्या गिने थे? एजेस गिने थे। तो ये तो बात हो गई हमारी क्यूबॉइड की। ये हमने किस में पढ़ा था? क्यूबॉइड में पढ़ा था, ठीक है। ये किस में पढ़ा था हमने? क्यूबॉइड में पढ़ा था। अब देखते हैं हम क्यूब। क्यूब क्या होता है? अ क्यूब हैज़ ऑल एजेस ऑफ द सेम लेंथ। एक क्यूब की सारी एजेस क्या होती है? सेम लेंथ की होती है। एक क्यूब की सारी एजेस क्या होती है? सब सेम लेंथ की होती है। एजेस क्या होती है? मैंने आपको बताया था, एजेस की डेफिनेशन कराई थी मैंने आपको। एजेस क्या होती है? एक साइड्स, सारी साइड्स जो होती है फिगर की वो क्या कहलाती है? एजेस कहलाती है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं क्यूब के। जैसे क्या दे रखा है? डाइस दे रखा है। डाइस सब अपने घर में सांप सीढ़ी लूडो खेलते होंगे। लॉकडाउन में सबने लूडो खेला होगा। तो लूडो के अंदर क्या होता है? पासा बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं, ठीक है। आइस क्यूब, सबके घर में आइस होती होगी, उसको जमाते हैं तो क्या बन जाता है? आइस क्यूब बन जाता है पानी को जमाते हैं तो। शुगर क्यूब, चॉक बॉक्स, ये सब किसके एग्जांपल है? क्यूब के एग्जांपल है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके आगे कि क्यूब में और क्या क्या होता है। जैसे हमने क्यूबॉइड में पढ़े थे कि वर्टेक्स, एज और फेसेस होते हैं, तो इसमें भी देखते हैं। तो क्यूब में भी 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। क्या बोला मैंने? 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। तो देखो वर्टेक्स गिनो यहाँ पे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी वर्टेक्स हो गई? 8 वर्टेक्स हो गई। और एजेस गिनो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कितनी एजेस हो गई? 12 एजेस हो गई। और फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो हमने आज क्या देखा कि क्यूब के अंदर भी कितने? 8 वर्टेक्स, 12 एजेस और 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्यूबॉइड और क्यूब कैसे दिखते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड पढ़ा था। क्यूबॉइड में भी कितने एजेस होती है? 12 एजेस होती है, 8 वर्टेक्स होते, दोनों में सेम ही होते हैं, लेकिन आपको इनको पहचानने का फिगर पता होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, यहाँ देखो ये डाइस है और ये एक बुक है, तो इन दोनों के फिगर में क्या है? डिफरेंस है। इन दोनों के फिगर में क्या है? डिफरेंस है। तो ये इसकी क्यूब जो है, इसकी चारों जो साइड्स होती है, इसकी जितनी भी साइड्स होती है वो सब क्या होती है? बराबर होती है। इसके अंदर सारी बराबर नहीं होती, इसके अंदर सारी बराबर नहीं होती है, ठीक है। ये दोनों में मेन क्या है? डिफरेंस है। मेन अंतर दोनों में क्या है? क्यूब में सारी जो एजेस है वो क्या होती है? बराबर होती है। और इस क्यूबॉइड में क्या है? सारी एजेस बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट। स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आपकी बॉल, अपनी अर्थ, ये सब क्या होते हैं? स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चैप्टर कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है इसके अंदर। एक भी वीडियो आपको क्या नहीं करना है? मिस नहीं करना है, ठीक है। और साथ साथ में इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।